नमस्कार, मैं मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन। अपर पुलिस महानिदेशक ने किया गंगा घाट का भ्रमण, देखे बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट। आगामी श्रावण शिवरात्रि पर्व के दृष्टिगत अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन मेरठ द्वारा जनपद बुलंदशहर के अनूपशहर में गंगा घाट का भ्रमण कर लिया स्थिति का जायजा। गंगा घाट का भ्रमण कर लिया स्थिति का जायजा। इस दौरान कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था के दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक मेरठ परिक्षेत्र एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर उपस्थित रहे। देर शाम वीर शहर से व्यापारी व उसके नौकर के अपहरण से इलाके में दहशत। देर शाम वीर शहर में व्यापारी व उसके नौकर के अपहरण से इलाके में दहशत। देखिए कन्नौज से ज्ञानेंद्र दुबे की खास रिपोर्ट। खाद व्यापारी ने खाद खरीदने के बहाने दुकान पर बुलाकर किया अपहरण। खाद कारोबारी व उसके नौकर के अपहरण से शहर में फैली सनसनी। अपहरण में सफेद रंग की बुलेरो को किया इस्तेमाल। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच में जुटी। गुरसहायगंज कोतवाली के पूर्वी बाईपास की घटना। हमारा नाम संदीप गुप्ता। क्या घटना हुई आपके परिवार में, आपका नाम? हमारा छोटा भाई चाचा का बेटा विकास गुप्ता अपनी दुकान पे बंद करके चला गया था घर पे, और उसके बाद उसके भाई के हमारे ताऊ जी के बेटे के पास कॉल आई कि आप हमें खाद चाहिए। किसके पास कॉल आई थी, क्या नाम उनका? रजनीश गुप्ता। अच्छा अच्छा। रजनीश गुप्ता ने विकास को फ़ोन किया कि एक ग्राहक है कोई दुकान पे खाद मांग रहा है। विकास अपने नौकर को लेके असलम को दुकान पे आया। बोलेरो थी जिसमें पर्दा लगे थे, उसमें विकास को डाल के वो ले गए और उसमें साथ में असलम को भी ले गए। कहाँ लगी, कुछ जानकारी है? कोई अपहरण, कोई दुश्मनी है? अपहरण की ही जानकारी है, अपहरण करके ले गए। कोई दुश्मनी है? नहीं, दुश्मनी कुछ नहीं। कोई फ़ोन आया कोई धमकी वाला? बस क्यों, अभी कोई कभी कोई धमकी का फ़ोन नहीं आया। अभी किसी के फ़ोन पे कोई कॉल आई नहीं? अभी विकास का छोटा भाई उसी नगर में टीचर है, उसके पास एक कॉल आई कि असलम को कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब विकास के लिए नहीं, असलम के लिए कहा। उसके पास कॉल आई कि आप कौन लगते हो। 12 जुलाई को कंचनपुर में 65 साल के बुजुर्ग की हुई अंधी हत्या। आज जबलपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्याकांड में एक नाबालिग सहित पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रांची बापूनगर से दोनों आरोपियों को पकड़ा है। बताया जा रहा है 19 साल के संजू मेहता का बुजुर्ग रामदास से अप्राकृतिक संबंध थे। आरोपियों ने गला घोट कर बुजुर्ग की हत्या की थी। मुझे बताते बहुत खुशी है कि आधारताल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए करीबन 48 घंटे के अंदर, 48 से 72 घंटे के अंदर जो अंधी हत्या आधारताल थाना क्षेत्र में हुई थी, एक रिटायर्ड 65 वर्षीय जो फैक्ट्री कर्मी थी जो थे उनकी जो हत्या हुई थी उसका पर्दाफाश हो गया है। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें संजू महतो करके 19 वर्षीय व्यक्ति हैं, साथ ही साथ उनका साथ दिया था वहीं के मित्र हैं, वो 17.5 वर्ष अपचारी हैं। इन दोनों का इस हत्या में इन्वॉल्वमेंट रहा है, दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। कुल मिला के कहानी ये रही है कि अप्राकृतिक जो संबंध है वो इस हत्या के पीछे जो है वो कारण रहे हैं। जो संजू महतो है ये पिछले 4-5 साल से जो मृतक हैं उनसे पहचान में थे। ये पनेरा पेट्रोल पंप के पास ये अपने गाड़ी धोने का काम करते थे, तो वहाँ मृतक का भी आना जाना था, वो फिर इनका आना जाना बंद रहा। जैसा कि पूछताछ में अभी तक बताया इनके कुछ संबंध भी पहले बने हैं इस प्रकार के। फिर घटना दिनांक को जब ये वहाँ गए हैं तो कुछ इनमें अनबन हुई है, अनबन को लेकर झूमाझट की हुई, और फिर जो आरोपी है संजू महतो उन्होंने ये घटना कारित कर दी। नहीं, अभी फिलहाल पैसों का लेन देन का नहीं है उसमें। जो आप जो मोबाइल की बात कर रहे हैं, जो 2 मोबाइल गए थे वो भी इनसे बरामद हो गए हैं, और मोटरसाइकिल से जो आए थे वो भी बरामद। नहीं, अभी तक ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। अप्राकृतिक जो संबंध थे वो ही इसमें कारण आ रहा है। इसमें कुछ ऐसा आ रहा है कि जैसा उन्होंने पूछताछ से बताया, अप्राकृतिक संबंध बनाने के लिए जब तक ने इनसे बोला था तो इनका उस इशू को लेकर के इनका जो झगड़ा है वो, जैसा कि इन्होंने पूछताछ बताया, वो ऐसे वो झगड़ा शुरू हुआ तो उसमें इन्होंने जो इनका जो लोअर था आरोप जो संजू महतो का, उन्होंने उसका जो नाड़े से फिर उनकी जो हत्या है वो कर दी है। आरोपी का मेरे ख्याल में जो संजू महतो है उनका एक पुराना एक मार्केट का मामला है, और जो अपचारी हैं ये 17.5 उनका एक वर्ष करीब
आधा से एक वर्ष पूर्व हत्या के मामले में वो रहे हैं। उस दिन जब ये उनकी बहन आई वो शाम को आई थी, और जब शाम को उनकी बहन आई तब उन्होंने अपने भाई को अचेत अवस्था में देखा, तब वो अस्पताल ले गई और उसको उपरांत में पुलिस को सूचना मिली, तब पुलिस एक्टिव हुई, घटनास्थल का मुआयना किया गया और फिर जो है टीमें गठित की गई और जिसके फलस्वरूप आज अपराध में डिटेक्ट हुई है। टावर से 2 से 20 मीटर की दूरी पर है प्राइमरी स्कूल व मदरसा। सरकारी जमीन पर निजी कंपनी के मोबाइल टावर का निर्माण, देखिए बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट। सरकारी जमीन पर हो रहा निजी कंपनी के मोबाइल टावर का निर्माण। निर्माणाधीन टावर से 2 से 20 मीटर की दूरी पर है 4 से 5 प्राइमरी स्कूल व मदरसा। निर्माणाधीन टावर से महज 5 मीटर की दूरी पर है भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित बाला को चबूतरा। कोतवाली नगर प्रांगण की बाउंड्री वाल तोड़ कर किया जा रहा है टावर का निर्माण। निर्माणाधीन टावर से सटे हुए हैं बिजली के ट्रांसफार्मर व खंभे। कोतवाली नगर के ऊपर कोर्ट का मामला। मेरा नाम हाजी नूर मोहम्मद कुरैशी है। जहां ये टावर लगाया जा रहा है उस समीप ही मदरसा कासमी अरबी इस्लामिया है, जो हाजियों का ट्रेनिंग सेंटर भी, मैं उसका प्रबंधक हूँ। जिस तरह से टावर का निर्माण किया जा रहा है, हमने तभी रोक ठोक की थी, उस वक्त हमसे झूठ बोला गया कि ऊपर कोट की पानी की समस्या के लिए ट्यूबवेल लगाया जा रहा है, लेकिन 7 फुट गहरा गड्ढा खोदने के बाद अब जब इसका निर्माण शुरू हुआ है तब पता लगा कि किसी प्राइवेट कंपनी एयरटेल का टावर लगाया जा रहा है, जो सरकारी ज़मीन पर है नहीं लग सकता। मदरसे के अलावा राजे बाबू स्कूल, मदर पब्लिक स्कूल, MB पब्लिक स्कूल, इस टावर के 20 मीटर के दायरे में, 5 मीटर से 20 मीटर के दायरे में 5 स्कूल पढ़ते हैं जिनमें हजारों बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ेगा ये निश्चित है। और इसी के समीप जो है 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं लाइट के, जिनमें आए दिन लाइट में कभी कभी जो है एक्सपायर वो होता है, आग लग जाती है। बराबर में ही कूड़ेदान बना हुआ है जहाँ पूरे अपरकोट का कूड़ा डलता है नगर पालिका का, और प्रांगण के दीवार को तोड़ कर ये टावर बनाया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। सरकारी संपत्ति पे प्राइवेट टावर कैसे लग रहा है? इसी के बराबर में बालाकोट चबूतरा है, जो भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा रिजर्व क्षेत्र घोषित है। इसके समीप 200 मीटर के दायरे में, 100 मीटर से 200 मीटर के दायरे में कोई निर्माण, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। ये भारत सरकार की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का उसको फैसला आ चुका है। सारे लोगों से शिकायत की जा चुकी है। कहाँ कहाँ शिकायत की है? देखिए, जिलाधिकारी से लेकर के SSP तक, मुख्यमंत्री तक और भारतीय पूर्वोत्तर विभाग तक, सभी जगह हमने रजिस्ट्री भेजी है, मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज की है, लेकिन निर्माण लिया जा रहा है, कराया जा रहा है। ऐसा लगता है कि इसमें बड़ा घोटाला हुआ है, कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा और लोगों के जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का एक खेल खेला जा रहा है, जिसका हम विरोध करेंगे, आखिर तक करेंगे, चाहे हमें इसके लिए कोर्ट जाना पड़े। ये तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के भारत।